ब्रजभूषण जी जब से गीता पढ़ रहे हैं तब से कुछ चीजों को लेकर उनकी समझ भी साफ हुई है। जैसे कि पहले अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता जो उन्हें परेशान करता, यहां तक कि ऑफिस में होने वाली छोटी मोटी परेशानियां भी होती, तो वे अपनी किस्मत को कोसने लगते थे। जरा कुछ बड़ा दुख आ जाए तो भगवान को ताना देने लगते थे। लेकिन जब से गीता की शरण में गए हैं उन्हें जीवन का सार समझ आ गया है। जानते हैं कि जो भी उनके साथ घट रहा है वो पिछले कर्मों का फल है, बिना भुगते वो अकाउंट सेटल नहीं होगा, इसीलिए सर झुकाकर सब सहना होगा। आखिर अपनी बोई फसल है, जैसी भी होगी शिकायत नहीं कर सकते। अब तो ये हाल है कि सुख हो या दुख, पंडित जी हर सिचुएशन को दर्शक के भाव से देखते हैं, उसमें शामिल होकर भी शामिल नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति बारिश में तो खड़ा हो लेकिन भीगे ना, जीने की ये कला गीता ही सिखा सकती है। लेकिन ब्रजभूषण जी जानते हैं कि गीता पढ़ने से पहले भी ये आर्ट अगर वो सीखना चाहते तो सीख सकते थे। एक लाइव एग्जाम्पल उनके सामने था। लगातार कई साल वो उन्हें देखता रहा, उनसे मिलता और बात करता रहा, लेकिन तब उम्र इतनी छोटी और बुद्धि इतनी कम थी कि ये बात समझ ही नहीं आई। वो तो आप जाकर गीता पढ़ते हुए रह रहकर उनका ख्याल मन में आ जाता है तो आंखें नम हो जाती हैं और सर इज्जत से झुक जाता है। ये कर्मयोगी थे उनके दुबे सर। कर्मयोगी मतलब जो अपने काम में पूरे मन से लगा रहता बिना रिजल्ट की चिंता के। दुबे जी ऑफिस में पहले बॉस के रूप में मिले और अब दिल में बड़ी गहरी इज्जत के साथ एक खास जगह बनाकर रहते हैं। पंडित जी तब मुश्किल से 21 साल के रहे होंगे जब उनकी सरकारी जॉब लग गई थी। वो वक्त ऐसा ही था कि पढ़ाई पूरी होते ही लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाया करती थी। तब इतना कॉम्पिटिशन भी नहीं था और एप्लीकेंट्स भी कम ही हुआ करते थे। दुबे सर उनके पहले बॉस थे, या यूं कहें कि पहले स्कूल कॉलेज के बाहर पहले टीचर जिन्होंने सही मायने में एक डिसेंट इंसान होना क्या होता है ये सिखाया था। उनकी पूरी पर्सनालिटी जैसे सिंप्लिसिटी की पहचान थी। वे बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी खासी पोस्ट पर थे, लेकिन घमंड जैसे उन्हें छूकर भी नहीं गुजरा था। उन्हें देखकर पंडित जी सोचा करते कि जब हर कोई खुद को जो है उससे ज्यादा ही साबित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में दुबे सर के बारे में कोई भी तभी जान सकता था जब उनसे बात हो, वरना उनका रहन सहन देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उन्हें कितनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है। पंडित जी जब ब्रजभूषण हुआ करते थे, यानी उन्हें गीता पढ़ने में इंटरेस्ट तो था लेकिन गीता को उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया था और उम्र भी कच्ची थी, इसीलिए बहुत सारी बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। ये तब की बात है। उन्हें ये नहीं समझ आता था कि इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी दुबे सर इतने डाउन टू अर्थ कैसे हो सकते हैं। उनके अंडर काम करने वाले लोग उनका कितना मजाक बनाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, लेकिन उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब भी ऑफिस में कोई अच्छा काम होता है तब बजाय अकेले उसका क्रेडिट लेने के सारी टीम का नाम आगे कर देते हैं। लोग हर एक बार एक ही झूठ बोलकर उनसे लीव साइन करवा लेते हैं, लेकिन वो जानकर भी अनजान बने रहते हैं। किसी के काम में गलती हो तब उसे डांटने के बजाय समझाने लगते हैं कि इस काम को ऐसे नहीं करना है। खुद पंडित जी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि उनकी गलतियों पर उन्हें फटकारने के बजाय दुबे सर ने उन्हें बिठाकर काम करने का सही तरीका बताया था। दुबे सर हर किसी से बड़े अपनेपन से मिलते थे, सबके सुख दुख पूछते थे, कई बार उन कामों में भी हेल्प कर देते थे जो उनके थे ही नहीं। पंडित जी को ये बातें बड़ी हैरान करती। वो देखते कि ऑफिस के कुछ कामचोर लोग समझ न आने का बहाना करके उनके पास काम लेकर बैठ जाते हैं और दुबे सर उनका काम कराते रहते। यही लोग बाहर जाकर उनका मजाक भी बनाते। अच्छा, पंडित जी को दुबे सर बहुत एनकरेज करते थे। एक तो पंडित जी ऑफिस में एज में सबसे छोटे थे, दूसरा दुबे सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट भी रखते थे जो उनके बिहेवियर में नजर आती थी। एक बार उन्हें दुबे सर के साथ एक वर्कशॉप पर दूसरे शहर जाने का मौका मिला। रास्ते भर दोनों में खूब बातचीत हुई, दोनों के इंटरेस्ट बहुत मिलते थे। इस सफर में पंडित जी को दुबे सर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, उनकी लाइफ, उनकी स्ट्रगल, बहुत कुछ। बातों बातों में पंडित जी बहुत हेजिटेशन के साथ दुबे सर से पूछ ही बैठे कि वे आखिर इतने सिंपल क्यों हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर भी उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। दुबे सर इस बात पर पहले तो खूब हंसे और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। अब इस बात से तो पंडित जी और हैरान हो गए।
बोले, सर ये तो सभी जानते हैं कि वो कौन है, इसमें नया क्या है? यही तो असली बात है कि हम नहीं जानते कि हम कौन है। जिस दिन हमें ये रियलाइज हो जाता है, सब इजी हो जाता है। और ये रियलाइज कैसे होता है, पंडित जी ने पूछा। गीता ज्ञान से, दुबे सर ने जवाब दिया। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा और शरीर का रिश्ता क्या है और क्यों हमें किसी बात का, किसी काम का घमंड नहीं करना है। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया कि मैं इतनी सिंपल लाइफ क्यों जीता हूं, मुझे हैरानी है कि जिस बात पर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए था, उस बात पर मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और आप पहले नहीं हैं जिसने मुझसे ये पूछा है। मेरी फैमिली के लोग तक मुझसे शिकायत करते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे अपने स्टेटस का शो ऑफ करते रहना चाहिए, अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज से थोड़ा रोब से पेश आना चाहिए। लेकिन ये सब लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें गीता का ज्ञान नहीं है। गीता सिखाती है कि करने वाला कोई और है, हम बस एक मीडियम यानी माध्यम है। इसीलिए हमें इस बात पर कोई घमंड नहीं होना चाहिए कि हम ये हैं, वो हैं, हमने ये किया, वो किया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर कि मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं। जो मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अच्छे कर्म करता है, वो योगी है। जो अच्छे कर्म नहीं करता, वो संत कहलाने के काबिल नहीं है। अगर मैं ऑफिस में काम करता हूं, तब वो काम इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसके बदले लोग मुझे रिस्पेक्ट दें या कोई सर्टिफिकेट दें। मुझे वो काम इसलिए करना है क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही बात अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए किए काम पर भी अप्लाई होती है। अगर मुझसे किसी ने हेल्प मांगी, चाहे किसी भी इंटेंशन से मांगी, मेरा कर्म है कि मैं अगर वो कर सकता हूं तो उसे हेल्प करूं और भूल जाऊं, जितना हो सके अच्छे कर्म करूं, ऐसे कर्म जिससे कोई हर्ट ना हो, किसी का बुरा ना हो। बस अगर इस छोटी सी बात को भी हम अपनी लाइफ का एम बना लें तो संत बन जाएंगे। गीता हमें यही सिखाती है। शायद यही वो मोमेंट था जब पंडित जी को सही मायने में गीता की तरफ मुड़ने का मोटिवेशन मिला। दुबे सर ने कितनी सिंप्लिसिटी के साथ इतने डीप मैसेज को समझा दिया था। अगर एक श्लोक इतना कुछ सिखा सकता है तो सोचिए पूरी गीता तो जाने क्या क्या सिखा देगी और हमें ये क्या से क्या बना देगी। पंडित जी को ये भी तभी समझ आ गया था कि इस टाइम की जरूरत गीता को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग इसे समझें और लाइफ में अप्लाई भी करें। दुबे सर के लिए पंडित जी के दिल में एक बहुत बड़ी जगह बन चुकी थी। वो उनके टीचर थे, ऐसे टीचर जिन्होंने जिंदगी जीने का सही मेथड बस एक श्लोक में समझाकर आगे की मीनिंगफुल लाइफ की राह दिखा दी थी।